जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा को अच्छे से आपका हुआ होगा और आप लोग बिल्कुल जो है रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब तक रिज़ल्ट आएगी। और इससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पे आवश्यक सूचना देने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि सहायक आचार्य की जो परीक्षा जो अभी कुछ पेपर्स का बचा हुआ है, बाकी तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे एंड के कगार पर है, यानी परीक्षाएं लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। ऐसे में काफ़ी कैंडिडेट जो है यहाँ पे आंसर की और रिज़ल्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसी का जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपकी नियुक्ति कब तक हो सकती है जो, और आपके आंसर किस कब तक आ सकता है, तो इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे अभ्यर्थीगण ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो है नियुक्ति प्रक्रिया फिर से फंस जाएगी, तो लाजमी है उनका सोचना भी, इस पर भी बात करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, बात करें सबसे पहली चीज़ है कि परीक्षाएं तो आपका लेवल वन का बात करें तो ऑलरेडी कंप्लीट है और लेवल टू का और जो है इस महीने तक आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थीगण जो है आंसर की का डिमांड करेंगे, आंसर की, उसके बाद आपका यहां पे रिज़ल्ट का वेट करेंगे। हालांकि आपको मालूम है दोस्तों, कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो JSSC जो है यहाँ पे एक एग्ज़ाम कैलेंडर जो है जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताई थी कि आपका जो है सहायक आचार्य की जो आपकी नियुक्ति है, नियुक्ति तक का उन्होंने बताया था कि सितंबर तक, 5 सितंबर में जो है इनकी ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या सितंबर माह में क्या पॉसिबल है ये सहायक आचार्य की नियुक्ति होना? चलिए इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले जो है आपका 19 जुलाई को जो है हाई कोर्ट में JTET वर्सेस CTET केस का सुनवाई था। सुनवाई तो ज़्यादा हो नहीं पाई और कुछ क्लियर उसमें हुआ नहीं कुछ। नेक्स्ट डेट जो है मिल गया और नेक्स्ट डेट मिला है आपका 3 जो है आपका सितंबर। 3 सितंबर में नेक्स्ट हियरिंग होनी है इस केस का। अब इस केस पे जो है आपका जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपका रिज़ल्ट कब तक जारी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले वाला अगर नोटिस को अगर देखें तो उसमें क्लियर बताया गया था कि सहायक आचार्य की परीक्षा तो आप कंडक्ट करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर की वगैरह भी जारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट जारी नहीं कर सकते। रिज़ल्ट जारी नहीं कर सकते जब तक जो है मेरा आदेश नहीं आएगा, यानी इस केस का जो है क्लियरिटी नहीं होगा, तब परिणाम नहीं आ जाता केस का, तब तक जो है आप रिज़ल्ट को पेंडिंग रखना होगा, आपको यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं जारी किया जा सकता है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि ये केस जो है 3 सितंबर में इसकी हियरिंग है और 3 सितंबर में अगर ये कंप्लीट हियरिंग हो पाती है, इसका जजमेंट पूरा आ पाता है, तो ये बहाली पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी और फंसेगी नहीं, आपका क्लियर नियुक्ति की और सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ेगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपका 3 सितंबर में जो हियरिंग होगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसको और एक्सटेंड करके दूसरा कुछ तिथि दे दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदत है डेट पे डेट देना, जजमेंट को तो सुनाना नहीं है। हालाँकि ये पूरा मैटर जो है क्लीन एंड क्रिस्टल है, एकदम से साफ है दूध की तरह, लेकिन फिर भी जजमेंट सुनाने में इतने टाइम लिया जा रहा है। हालांकि एग्ज़ाम भी हो गया है, फिर भी मतलब अभी भी जजमेंट की और जो है सारी प्रक्रियाएं नहीं हो रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको नेक्स्ट डेट और देखने को मिले और 2 महीना बढ़ते हुए देखने को मिले, इसमें कोई शॉकिंग वाली चीज़ नहीं होगी। और ये भी हो सकता है कि उस दिन वाला जजमेंट में ये भी आपका पॉसिबिलिटी बनता है कि ये बोला जाए कि चलिए JTET वाले भी खुश रहेंगे और CTET वाले भी खुश रहेंगे। कैसे वो होगा? क्योंकि यहाँ पे बोल दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि JTET का तो नोटिफिकेशन निकाल दी गई है, आप JTET जल्दी से जल्दी कंडक्ट करा लीजिए 15 दिन के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर,
उसके बाद जो है नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा दीजिए। जो लोग जेटेड पास करेंगे वो लोग जो है नियुक्ति प्रक्रिया में जाएंगे, उनको जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। यानी सीटेड वाले जो क्वालिफाई कर लेंगे एग्ज़ाम में, लेकिन उन्हें तो जेटेड पास करना ही होगा, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे हाई कोर्ट का निर्णय में तो यही कहा गया था कि सीटेड वाले को अलाउ कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन पर, उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में जेटेड को क्वालिफाई करना होगा। तो जैसे ही जेटेड, आप जेटेड का आयोजन तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो इसका अगर आयोजन जल्दी करा ली जाती है तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। तो ये भी जजमेंट आ सकती है, ये भी एक तरह का प्रोस्पेक्टिव देखा जा सकता है कि ये भी होने के चांसेस है, अन्यथा ये बहाली जो है अभी फंसी हुई नज़र आएगी आपको, सालों साल भी फंसती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि केसेस जो हैं सालों साल चलते हैं। देखिए सोनी कुमारी का जो केसेस था, 2016 में उनकी परीक्षाएं हुई थी, और जो है यहाँ पे देखिए 2023 में जाके ज्वाइनिंग उन लोगों का हुआ है, ऐसा हालात है। तो झारखंड में पॉसिबिलिटी बहुत कुछ बनती है, यहाँ कोई सिक्योरिटी किसी चीज़ की होती नहीं है, तो कुछ भी जजमेंट आ सकता है दोस्तों। लेकिन फ़िलहाल जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, पेपर अच्छा गया है, उनके लिए कोई आश्वस्त रहें, कभी भी रिजल्ट आएगी तो आप ही के फेवर में आएगी। और हालांकि सबको पता है कि ये जजमेंट वो जो केस वाला है वो किसके फेवर में जा सकता है, लेकिन फिर भी आप देखिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इम्पैक्ट करती है, उनके मेंटेलिटी को, उनके जो है मेंटल स्टेटस को कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करती है ये सब चीज़ें। क्योंकि सही समय पर एक तो इतने डिले में वैकेंसी आती है, फिर परीक्षा वगैरह हो गई है तो अब रिज़ल्ट के लिए भी वेट करो इतना टाइम तक, अच्छा नहीं रहता। लेकिन मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि अब जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम यहाँ पे सहायक आचार्य का दे दिए हैं, जो सीटेट क्वालिफाइड हैं या फिर एस्टेट अगर क्वालिफाई किए हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। बिकॉज देखिए आप इस परीक्षा का तो आपका हो गया, आपको अदर एग्ज़ाम पे आप स्विच करना चाहिए, आप टीचर का ही एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि इसके भरोसे और रहने से आपका काम नहीं बनेगा। अब बिहार में जो है बम्पर भर्तियां निकलने वाली है, देखिए TRE 4.0 जो है यहाँ पे आने वाली है नेक्स्ट जो है अगस्त के लास्ट वीक में, या फिर जो है अक्टूबर में कन्फर्म है जो कि आपका नोटिफिकेशन दिखा जो है यहाँ पे जारी किया जाएगा, BPSC जारी करेगा 4.0 का, जिसमें 160,000 जो है पदों पर बहाली वहाँ पे निकाली जाएगी। तो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, और हालांकि कर ही रखे होंगे तभी तो सहायक आचार्य में बैठे हैं, तो सीटेट वाले सारे कैंडिडेट 6 to 8 वाले लेवल में जो है बिहार के वहाँ पे अपीयर हो पाएंगे एज अ जनरल कैंडिडेट के रूप में। और अगर रिसेंट का अगर आपने एस्टेट एग्ज़ाम दिया था बिहार का, और उसमें अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं, तो आप जो है 9 to 10 वाले यानी TGT लेवल में भी बैठ पाइएगा। और वहाँ पर बम्फर भर्तियाँ हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा सीट है, और उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो है यहाँ पे नौकरी लगने की, क्योंकि वहाँ का सिलेबस भी जो है जनरल रखा जाता है, ऐसे यहाँ पे इस तरह का सिलेबस नहीं है कि टीजी आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस डाल दिया, और ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जनरल कंपटीशन का वाला जो है सिलेबस रहता है। और तो आप लोग अगर वहाँ पे अगर 2-3 महीना अच्छे से लगाते हैं, उस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे टाइम पीरियड के साथ सब कुछ होगा, आपका जनवरी तक नेक्स्ट साल तक जो न्यू ईयर आने वाली है उस वर्ष में आपकी नियुक्ति पत्र आपके हाथ में होगा जनवरी में, मैं गारंटीड के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ प्रक्रियाएं इस तरह फंसती नहीं हैं, वहाँ एकदम से पूरे प्रॉपर वे में शेड्यूलिंग के साथ काम हो रही है। तो उस पे आप अप्रोच ले सकते हैं, उसका प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों अभी की इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक के साथ ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।